बात है मेरे साथ, आप देख रहे हैं बहन भाई, देख रहे हैं बहन भाई, आप देख रहे हैं इरफान मेरे साथ कैसे सलूक करता है। हंसो हंसो जितना हंसना है आपको। हंस लो जितना हंस लो। साइकिल खुद ही हमें चलाएंगे और लेकर चले जाएंगे बेचने। उस दिन हमको किचन तो मक्खियाँ जो हैं ये देखें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, पता नहीं मैं इस मक्खियाँ का क्या करूँ। बहन भैया आप ही मुझे बता दें। अभी जो है आग जला चुकी हूँ, अभी प्याज की भुनाई कर रही हूँ। रोटी भी बनाई जा रही है, सालन भी कसर बना रही है, और आज जो है नौ मुहर्रम का दिन है, न्याज भी बांटेंगे, खत्म भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मोटर से पानी भरा जाता है, वहाँ टैंकी भी नहीं है। क्या हुआ? वो मारता है। अच्छा, मारता है पानी। हंसती है ना, को देखो कैसे हंसती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा फूलों की तरह से खिलते मुस्कुराते और महकते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, माशाल्लाह से घर में बच्चे भी ठीक हैं, आपके दुआएं और कौसर भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा फूलों की तरह हंसते खिलते और मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं मेरे हाथ। अब क्या हंस रहे हैं? अब हर बात ऐसे करते हैं मेरे साथ। अब देख रहे हैं बहन भाई, देख रहे हैं बहन भाई, आप देख रहे हैं इरफान मेरे साथ कैसे सलूक करता है। हंसो हंसो जितना हंसना है आपको। बोलो बोलो जितना बोलना है। दुआएं होती हैं, दुआएं नहीं होती। अब भूल गई हूँ, बहन भाई तो देख रहे हैं ना, आपको क्या तकलीफ है? चले आगे बोले। आगे नहीं बोलूँगी, आप बोले। चलें जी, हमारे चैनल को कल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने भी जरूर करें, और वीडियो पूरे वाच के नहीं भी सके अपने करें। बोल गया यार, बुलवाओ तो नहीं। वीडियो स्किप नहीं करने, वीडियो पूरे वॉच करने। आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि बहन भाई स्किप नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखेंगे। माशाल्लाह जी टोका किया जा रहा है, ये देखें कमरान जो है मशीन चला रहा है, और पीछे कौशल जो है मोटर लगा रही है, और अभी मेरी बारी है, मैं भी टोका कुटवाना है, मैंने भी कुटवाना है, तो अभी स्टार्ट करते हैं टोका कुटते हैं। तो प्यारे बहन भाई माशाल्लाह इरफान भाई जो है टोका कुटर रहा है, आज जो है ना सारा टोका आज इसके हिस्से है, सारा टोका इसे ही करवाना है। माशाल्लाह जी इधर हमें जो है ये भूतरे मेरे ख्याल में एक छाबियाँ बांध रही है ना। हाँ जी। एक छाबी बांधी हुई है और ये छाबियाँ बांध रही हैं, अभी ये सर भी रखे हुए हैं। हाँ जी। और ये भूतरे खजूर के पत्ते हैं, इनको भूतरे बोलते हैं हमारी जबान में, और ये खजूर के पत्ते अभी जो है बांध रही हैं छाबियाँ, और जिस बहन भाई को ज़रूरत हो वो भी आके हमारे घर से लेके जा सकते हैं। छाबियाँ बहुत कमाल की होती हैं, खजूर वाली छाबियाँ, और ये पास में साइकिल भी खड़ी है, अम्मी जो है ये छाबियाँ बांध के इन पर पीछे रखेंगे, ला देंगे, और ये साइकिल पे चढ़ के ना साइकिल खुद ही अम्मी चलाएंगी और लेकर चले जाएंगे बेचने। बहुत दूर जाने है ना, दूर जा रहे हैं, बेचने जाती है ना। तो चले जी मसला पर बांधे। इधर देखे जी समिया, समिया बैठी है और बच्चा शुबेटा भी पहना हुआ है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम समिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो समिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। देखें जी आज लगता है नाराज है, कोई चीज़ की कमी पड़ गई है, मेरे ख्याल में कोई चीज़ जो है समिया को नहीं दी गई, बाकी सबने खा ली होगी, समिया को कुछ नहीं मिला, इसलिए जो है सामान। नींद के उठी बैठी है। हाँ जी आप सलाम कर रही है। चलें जी माशाल्लाह, ये है समिया और ये मेरी सिस्टर, और दूसरी सिस्टर जो है वो भी इसी तरह ही है, वो चल पा तो सकती है मगर बोल नहीं सकती, ये बचपन से ही ऐसी हैं, ये जब से पैदा हुई है समिया ये बचपन से ही ऐसी है, ना कुछ बोलती है ना चल पाती है, और अभी देखे हंस भी रही है मेरी बातों पे। और चलें जी इसकी बात बता रहा था कि जब से ये पैदा हुई है बचपन से हमने बहुत कोशिश की, बहुत ही दवाइयाँ की हैं, बहुत इलाज करवाए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए हैं और गए हैं, यार आज बातें बोल रहा हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए हैं और इलाज करवाया है जितनी हमारी फुर्सत हुई, फिर भी ये जो है ठीक नहीं हो पाई, हमारी फुर्सत से ज़्यादा जो है इसके इलाज पर पैसे लगते थे, तो हम तो गरीब बंदे, और फिर इलाज जो है मुकम्मल नहीं हो सका, और इसकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है,
तो अभी भी इलाज मेरे ख्याल में करवाएं तो हो सकता है शायद ये चल पाए। और अभी व्हील चेयर लेकर दिया है, अहमद भाई ने लेकर दी थी, तो व्हील चेयर पर इसको बिठा के कहीं भी आना जाना हो तो व्हील चेयर पर बिठा के इसको लेके जाते हैं। और दूसरी इस्तियाना जो है वो भी बचपन से ऐसे ही थी, काफ़ी इलाज करवाए उसके भी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए, और उसका जो है चलना अब माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने करम किया, वो चल फिर तो सकती है लेकिन वो बोल नहीं सकती, उसकी भी आवाज़ का मसला है। वो बोलती है तो समझ में नहीं आती कि क्या बोल रही है। ये मेरी दोनों सिस्टर जो है ये मजदूर हैं, एक ये समिया, ये चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, और अगर कुछ खाती पीती है, मांगती है तो इशारे में समझाती है, इशारा करती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो हम लेकर दे देते हैं। और बाकी जो है इस्तियाना वो तो खुद ही चल फिर सकती है, अल्लाह पाक का करम है कि वो अपनी चीज़ें खुद उठा लेती है, कोई चीज़ खानी हो तो वो ले लेती है, पानी पीना हो तो वो पी लेती है। और बाकी जो है उसका भी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो भी बोल नहीं सकती, और इसका भी दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल फारिग है, दिमागी तवाज़ुन है ही नहीं। अल्लाह पाक का ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जिसको चाहे जैसा बना दे। अब इंसान तो बेबस होता है, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। तो बहन भाइयों आपने दुआ करनी है कि जल्द से जल्द हम इनका इलाज करवा सकें, और दूसरी का जो है इलाज फौरन हो सकता है, जल्दी हो सकता है, अगर हम कराएं तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो सकती है, वो भी बहन भाइयों को दिखाते हैं। बस करा 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 ही करते रहना, अंडे ना देना, क्योंकि दो चार अंडे दोगी तो हमारे घर में सहूलत होगी, हमें दुकान से अंडे नहीं लेने पड़ेंगे। ये देखें जी मुर्गी है, नालायक मुर्गी जो कि अंडे नहीं देती, हम बहुत परेशान हैं, अंडे हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, गरीब बंदे हैं क्या करें। और इस पर जो है ना गुस्सा आता है, ये अंडे नहीं दे रही, बस करा 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 करा। ये जी छोटी सिस्टर इस्तियाना, जैसे कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि पहले भी मैंने डिटेल बताई थी, और जो हमारे बहन भाई न्यू आते हैं ये उनके लिए मैं दोबारा से रिटर्न कर रहा हूँ इनकी डिटेल, क्योंकि ये बचपन से ही ऐसी है। ये देखिए चल फिर तो सकती है माशाल्लाह से, लेकिन बोल नहीं सकती। आज सेना कैसी हो? तबीयत ठीक है? क्या कर रही हो? खेल रही हो? अच्छा आज क्या पकाओगे? क्या पापा? पापा पकाओगे? आप खाओगी? कितना खाओगी? कितना इशारा करके बताओ, कितना खाओगी? इतना? वाह जी वाह। चले जी ये देखें बात करते हैं, दिमागी तवज्जो समझ तो लेती है मगर बोल नहीं सकती। ये देखें सलाम भी कर रही है, और आपने दुआ करनी है। बस छोटी छोटी सी बादलों की टुकड़ियां हैं बस। माशाल्लाह इस्तियाना जय मेरे लिए पानी लेके आई है। पानी ले आई हो? उड़े भैया को दो। माशाल्लाह पानी ले आई, काबिल बन रही हो है, माशाल्लाह काम करने चाहिए ठीक है। अच्छा कब सर आपने नहीं पिया? हाँ मैंने मंगवाया था। और मंगवाया था तो पिया क्यों नहीं? आप पी लें फिर भी जी।
जिस भाई बहन को पीना है आके हमारे साथ पीना है। इस्तिहाना जो है सबको पानी पिला रही है। इस्तिहाना दादी को पिलाओगी? सबको पिलाएगी जी। इस्तिहाना बहुत ही काबिल बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब मसाले की कटाई हो रही है और इसके बाद जो है सालन बनाएगी। कसर ऊपर भी मुँह कर लें। हाँ जी सालन बनाऊंगी, अभी प्याज काट रही हूँ। चलो जी माशाल्लाह, फिर रेडी करें मसाला जी। फिर बनाते हैं। क्या बनाना है आज? तो मुहर्रम के नौ मुहर्रम है ना? नहीं उस दिन मैं कहूँ किचन अभी जो है सफाई कर रही हूँ और उसके बाद जो है बर्तन कटे करूँगी। यहाँ पानी भी मारूंगी, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल है ना, तो इसलिए यहाँ पानी भी मारूंगी और उसके बाद जो है सामान शमान सब इकट्ठा करूँगी। अभी जो है झाड़ू शाड़ू जो लगा दिया है, पानी मार रही हूँ। तो दूसरी बात जो ये है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम इतनी दिन अलीपुर में रहे और असगर मुखले साहब बड़ों के घर रहे, ज़्यादा दिन लगा दिया। अबू जो है जब से आए हैं बात भी नहीं करते, इरफान से भी नहीं करते, मेरे साथ भी नहीं करते, नाराज़ हैं। जी मना मना के हम थक चुके हैं, फिर भी अबू नाराज़ है। अबू कहते हैं कि आपको घर की परेशानी नहीं है। तो बहन भाई आप बताएं हम कैसे अबू को मनाएं। अभी जो है सब सामान इकट्ठा हो चुका है, मतलब मेरे तो सब नहीं, बस घी नमक और लाल मिर्च, बस इतना से अभी और करना है। ये देखें जी, इस्तिहाना जो है इंतज़ार में खड़ी है कि कब सालन बनेगा और मैं खाऊंगी, है ना? इंतज़ार में खड़ी हो। क्या बना रही है आपकी भाभी? गोश्त बटिया। माशाल्लाह मज़े करोगी आज। अम्मी कहाँ गई? चली गई। किधर? उधर चली गई। क्या करने काम गई है? किस चीज़ का काम? कपड़े देने दर्जी को, लेडीज दर्जी को कपड़े सिलवाने गई है। अच्छा आपने कपड़े नहीं सिलवाए? सिलवाओगी? कितने जोड़े? कितने इशारा करके बताओ। पांच? पांच सूट? माशाल्लाह आपको पांच सूट लेकर देने पड़ेंगे फिर, ठीक है? कपड़े लोगी? नए कपड़े लोगी? नवे कपड़े किन से? कितने? पांच जोड़े। चले जी पांच जोड़े जो इस चैना को लेकर देने हैं नए कपड़ों के, ठीक है? ये देखें जी अम्मी जो है वापस आ रही हैं, कपड़े देकर आ चुकी हैं। ये आ गई अम्मी। हाँ जी दे आई कपड़े वो सिलवाने के लिए। इस चैना बता रही थी आपकी बेटी के वो कपड़े देने गई हैं अम्मी। माशाल्लाह से दे आई वो यहाँ हमसायों को दे आई। अभी जो है चिकन धो रही हूँ, तब इसकी सफाई होगी, फिर जब बनाऊंगी तो फिर आपको। अम्मी भी आ गई है तकारे लेकर मेरे ख्याल में। अभी वो चिकन धोए जा रही है, धोए जा रही है, पता नहीं चिकन धो रही है, पता नहीं साफ बना रही है, साबुन बना रही है। ऐसे करते हैं ना सारी धूल हो जाती है। ये देखिए चले तकारे लेके आ गई है अम्मी। अम्मी मेरे ख्याल में वही कल वाला काम, इसको धोने है, ये किया है, वो किया है। नहीं ये धो के गाय को पानी पिलावने थे, जरा ना उन्हें कुछ घास डाला थे। अभी फिर आप घास डाल रही है खुद ही? ओ भाभी तेरी आटा गूंद रही। चले जी वो समैया को देखे। हमें समैया को वहाँ पर बिठाया करे, अकेले बेचारे पड़े रहते हैं ना, दुपट्टा पहनाते हैं ना, खून के साथ सारा दिन शरीर तले बैठी रहे हैं, खून इकट्ठे ही बैठ रहे हैं। तो नहीं होती। चले आपकी कितनी देर है अभी? अभी भी धो रही हैं? नहीं धो ली। हाँ जी धो ली। माशाल्लाह फिर चले।
अजय मसाले भी आ चुके हैं, घी भी आ चुका है और चिकन भी साफ़ सुथरा कर लिया है। अभी जाती हूँ पतीला उठाती हूँ, फिर सालन बनाती हूँ। सियाना ने पैप खींचा हुआ है। सियाना किधर चले, कहाँ पैप लेके जा रही हो? पानी पिलाने अम्मी ने बुलाया है। माशाल्लाह चलो चलो रुक। आपको भी काम पड़ गया? हाँ जी। अच्छा आप पानी पिलाने के लिए खड़ी है? हाँ जी, मैंने सियाने को कहा पैप ले आते। चलें जी, आपको यही धोना था बस? नहीं, पानी भरना। पानी भरना? अच्छा, मोटर से पानी भरा जाता है, वहाँ टैंकी में नहीं है। क्या हुआ? वो मारता है। अच्छा, मारता है पानी। सियाना को देखो कैसे हंसती है। सियाना को आगे कर दो। चले पानी पिला लें आप, ठीक है? आप पानी भर लें, आप पानी पिला लें। चले खींचे खींचे सियाना। ये क्या, ये थोड़ी क्यों चल रही है? धूप कम हो गई है मेरे ख्याल में। धूप मत दो, ख्याल रखना, ये मारते भी हैं। सियाना आप साइड पे खड़ी हो, माशाल्लाह से आप पीते रहेंगे इंशाल्लाह। ये पानी थोड़ा थोड़ा, ये दोनों एक साथ क्यों पी रहे हैं? बस चलें जी, दोनों को इकट्ठे ही पिला दे, फिर वो दूसरों को भी पिलाना होगा। अभी जो है घी डाल रही हूँ इसमें, तो मक्खियाँ जो हैं ये देखें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। पता नहीं मैं इस मक्खियाँ का क्या करूँ। बहन भैया आप ही मुझे बता दें। हाय, ये मैंने क्या किया? बहन भाई नाराज हो गया आज। ये घी मैंने डाल दिया। अब इस ना ये देखो मैं ये क्या किया है, आपने किया है ना। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, ठीक है? अब जाओ। अभी भी नहीं गई, जाओ। वो देखें आपकी दादी नाराज होगी। ये लो, ये उठाओ। वो दादी देख रही है। देखो प्यारे बहन भाई, आप कहते कि सियाना से काम कराओ, देखो ये काम भी नहीं करती। जाओ, दादी नाराज होगी। नहीं होती दादी नाराज होगी। आग भी नहीं जल्दी। ये क्या हो रहा है? अम्मी देखे इसको। ये देखे आपका थाल बटल बटल तोड़ रही है। ये देखे मुंह में निकालो इसे, उठो। आप छोटी बच्ची हो? हाँ। क्या के भाभी? पानी का बोला वो भी मेरे ख्याल में नहीं ले आई। चल पानी ले आ। चलें, गिलास कहाँ है? गिलास ले आए, देखते हैं कैसे नहीं करती काम। गिलास ले आते भाभी, पानी दिया चूल्हे में। चलो उठो, चलो। नहीं बहन भाइयों, इसे कुछ नहीं देना। ये फरमाइशें करती है, फिर काम करती है नहीं, कुछ भी नहीं देना। पहले मैंने कपड़ों का बोला कि कपड़े लेकर देंगे, अभी कुछ नहीं लेकर देना। अगर जाएगी तो कपड़े लेकर देंगे। जाने भैया, चले फिर इन चलती भेजे। कपड़े जो लेने हैं, चलो टोर पे टोर पे, जल्दी पानी लेके अपनी भाभी को दे जा। ले आई पानी? कितना सवाब मिला है? कितना मिला है? इशारा करके बताओ, इतना मिला है? अभी जो है आग जला चुकी हूँ, अभी प्याज की भुनाई कर रही हूँ। क्यों अभी किलवाई ना करी लो उसको? अभी जो आज नौ मुहर्रम का दिन है, तो चिकन बना रही हूँ, तो ख़त्म भी दिलवाएंगे
और न्याज भी बांटेंगे। तो काल का दिन जो है काल देखेंगे। अभी सोम जागरण करेंगे। इधर जी रोटी बनाई जा रही है, ये देखें भाभी और भाभी की अम्मी। हाँ, भाभी की अम्मी भी यही रहती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, फूलों की तराश से और मुस्कुराते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और घर में सब ठीक। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखें रोटी भी बनाई जा रही है, सालन भी कसर बना रही है। और आज जो है नौ मुहर्रम का दिन है, न्याज भी बांटेंगे, ख़त्म भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह।